नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं पर हार्ड टाइम। इस वक्त हम समाजवादी कार्यालय में, जहां पे कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर यहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का, पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया है। जैसा कि यहाँ से आपको पता है, शहर में कब्रिस्तान का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है, काफ़ी तोल पकड़ता जा रहा है। जो डिमांड थी मुमरा वालों के लिए कि जो 3 किलोमीटर जो है रेती बंदर से चल करके अमरूद नगर दरगाह कब्रिस्तान पे आते थे, उनको डिमांड चाहिए थी। लेकिन जो कब्रिस्तान दी जा रही है, जिसके जरिए से या जो भी हो रहा है, वो मुमरा कौसा वालों को मिल रही है, जबकि ऑलरेडी जो है कौसा में 2 कब्रिस्तान चालू हो गए हैं। जो कब्रिस्तान जहाँ पे था पहले, उस कब्रिस्तान को वहाँ दिया जाए, और जो स्लाटर हाउस जहाँ पे बनना था, जो कब्रिस्तान के लिए चेंज किया जा रहा है, स्लाटर हाउस वहाँ पे बनना चाहिए। ये हमारी आज की सबसे बड़ी मांग है, और इसी मुद्दे को लेकर के हमारी पार्टी जो है एक पदयात्रा जो है कलेक्टर ऑफिस में मेमोरेंडम देने के लिए 27 तारीख को यहाँ से रवाना होगी। आज हमारे साथ में कलवा मोहरा अध्यक्ष समाजवादी के आदिल खान आजमी। आदिल भाई, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो कब्रिस्तान का मुद्दा शहर में काफ़ी दिनों से चल रहा है, पार्टी की तरफ से जो धरना, जो प्रदर्शन आपने जो ऐलान किया है, तो वो किस लिए किया? अब इसमें मेन ये है ना कि लगभग लोगों को, जो एक्टिव लोग हैं, मालूम है, लेकिन आम लोगों को पता नहीं है कि ये क्या चल रहा है। एक्चुअली ये है कि जहाँ कब्रिस्तान रिजर्व था, वहाँ पर कब्रिस्तान वहाँ ज़्यादा ज़रूरी था, बनिस्बत मतलब जो जहाँ अब ये लोग कर रहे हैं उसके। मुमरा में कब्रिस्तान की ज़्यादा ज़रूरत है, कौसा में भी थी, लेकिन अब दो कब्रिस्तान और आ रहे हैं। एक तो लगभग तैयार हो चुका है, और एक अभी मेरे ख्याल से 6-8 महीना साल भर में वो भी अप्लीकेबल होना चाहिए। हमने 1 महीना पहले चीफ मिनिस्टर अर्बन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से इसकी मांग की गई थी कि इसको रिलोकेटेड ना किया जाए, और जहाँ पे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान की जगह पे कब्रिस्तान रहने दिया जाए, स्लाटर हाउस की जगह पे स्लाटर हाउस ही रहने दिया जाए। पर म्यूनसिपल कमिश्नर और यहाँ के आमदार के मिले होने की वजह से आवाम को गुमराह किया जा रहा है कि यहाँ पे भरनी किया जा रहा है। ये बोल रहे हो कि इसमें यहाँ के जो विधायक और यहाँ के जो म्यूनसिपल कमिश्नर, दोनों की मिली भगत से हो रहा है, ये सब भरनी का काम हो रहा है और आवाम को गुमराह किया जा रहा है, और जहाँ पे एक्चुअल जगह है वो आवाम को नहीं बताई जा रही है। और हमारी ये मांग है कि जहाँ पे कब्रिस्तान है वहाँ पे ही दिया जाए। जी, इसके लिए हमने एक पदयात्रा निकाली है, लेकिन जिसका परमिशन ना होने की वजह से हमें 149 या 189 का नोटिस इशू करने की ये लोग ने कोशिश कर रहे हैं। पदयात्रा से भी कुछ नहीं होता है तो हम मंत्रालय तक का पदयात्रा करेंगे, और इसके लिए भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। 27 तारीख को सुबह 11 बजे से समाजवादी ऑफिस से निकलेगी, और ये कलेक्टर ऑफिस के बाहर म्यूनसिपल कमिश्नर के खिलाफ धरना किया जाएगा, और ये मांग की जाएगी कि जहाँ पे कब्रिस्तान है वहीं पे दिया जाए, और स्लाटर हाउस की जगह पे स्लाटर हाउस ही दिया जाए। मीडिया जो है एक बहुत बड़ा हथियार है और एक बहुत बड़ा जरिया है, जिससे सही बात आवाम तक पहुँचे। तो हम सही जो गुमराह किया जा रहा है शहर में, उस गुमराहियत को रद्द करने के लिए और हक बात बताने के लिए, सच्चाई बताने के लिए हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है इनेकाद किया था। असल में ये जो प्रोग्राम चल रहा है धरना और प्रदर्शन और आंदोलन का, उसके बाद हम लोग CCC एक काम करेंगे। CCC मतलब जो है कॉमन कॉज, जो है कम्बिनेशन, और इस CCC के ज़रिए से हम आवाम, यहाँ पर जितनी भी पार्टियाँ या तंजीमें हैं, इकट्ठा करके एक जो है बैनर पे ला करके इस मुद्दे को पूरे शहर में हम उठाएंगे। कौन कौन सी तंजीमें आपके साथ? तमाम तंजीमें, मिल्ली तहरीक है, प्रयास है, उसके बाद जो है MIM, और दूसरी जो है पार्टियां जो है उत्तर भारतीय महासंघ है, और यहां की जो दूसरी मजहबी तंजीमें हैं, जमीयतुल उलमा है, और जो है जमात इस्लामी है, SIO है। हम तमाम के ज़िम्मेदारों से बात कर रहे हैं कि इस तरह की फ्यूचर में जो है एक ऐसा कॉमन प्रोग्राम रख करके आवाम को हकीकत को बताया जाए। यहाँ पे समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि 27 तारीख की सुबह 11:30 बजे यहाँ से कलेक्टर ऑफिस तक, जो थाना का जिला अधिकारी कार्यालय है, वहाँ तक पैदल मार्च किया जाएगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस तरीके पर बताया है कि जहाँ पर कब्रिस्तान है वहाँ पर कब्रिस्तान दिया जाए, और जहाँ पर स्लाटर हाउस है स्लाटर हाउस की जगह पर स्लाटर हाउस दिया जाए, इस तरह की उनकी मांग है। अब देखना यह है कि जो 27 तारीख को जो सुबह 11:30 बजे यहाँ से पैदल पदयात्रा निकाली जाएगी, उसमें कितना पार्टी को समर्थन
समर्थन मिलता है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कब्रिस्तान की ज़रूरत सबको है, लेकिन जो आहिस्ता आहिस्ता जो अलग अलग पार्टियों की तरफ से इसका धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उससे कितना मुमरा वासियों को कब्रिस्तान मिल पाएगा। कैमरामैन हनीफ शेख के साथ हुसैन सुल्तान, प्रहार टाइम्स।